और किस तरीके से मिलेंगे सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे गूगल पे जाने के बाद गूगल से आपने कहना है यार कोडेनिक्स डॉट कॉम पर ले जाओ तो आपने यहाँ पे कोडेनिक्स निकला है पहली वेबसाइट अगर हमारी आ जाती है दैट्स गुड वरना आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है और यहाँ पे आपने कोडेनिक्स डॉट कॉम पर जाते ही आपने ब्लॉग्स पे जाना है ये मैं इसको ब्लॉग्स पे ले जाता हूँ ब्लॉग्स पे जाते साथ ही आपके पास अल्टीमेट ज़ीरो टू तो हीरो गाइड आ जाएगा गाइड पे जाने के बाद आपके पास कोर्स कंटेंट आएंगे सॉरी कंटेंट आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिस वन और ये पूरा ब्लॉग पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे इट विल ब्रिंग यू हीयर तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं आपके पास और इसके मैंने हर एक चैप्टर के सेपरेट क्वेश्चन दिए हैं और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको इ रैशनल रैशनल और बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर नंबर वन के पंद्रह चैप्टर नंबर टू यानी कि डेसिमल्स के आपके पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन के पंद्रह फिर आपके पास चैप्टर नंबर थ्री हैं द पावर ऑफ रेशोज एंड प्रपोशन इनके दस एंड देन चैप्टर नंबर फोर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ परसेंटेज इसके दस चैप्टर नंबर फाइव के भी दस आपके पास इस तरीके से हैं देन चैप्टर नंबर सिक्स के भी दस चैप्टर नंबर सेवन के भी दस एंड देन लास्ट बट नॉट द दिलस्ट चैप्टर नंबर एट के मैंने पंद्रह क्वेश्चन रखे हैं तो इन टोटल आपके पास पंद्रह दस पच्चीस दस पैंतीस दस पैंतालीस दस पचपन दस 50, पैंसठ पंद्रह अस्सी पैंसठ पाँच सत्तर और दस अस्सी एस और पंद्रह पचानवे क्वेश्चन हैं टोटल एंड दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चन आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस ब्लॉग को अच्छे से पढ़ें और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इससे पिछला ब्लॉग भी पढ़ें अल्जबरा फॉर डेटा साइंस का और ये जो तकरीबन नाइन्टी फाइव प्लस क्वेश्चन आपके पास हैं इनको रिजॉल्व करें ताकि आप अच्छे से ये क्वेश्चन जो हैं इनको रीड आउट कर सकें होपफुली आपको समझ आ गई होगी सारी चीजों की अगर समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को आप दोबारा से सुन सकते हैं और इसके पुराने लेक्चर भी सारे सुन सकते हैं देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग क्या होता है नेक्स्ट हम जो देखेंगे चीज वो है एलिमेंट्री अलजबरा एंड वी आर मूविंग टू इन इन अपकमिंग